छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भी अब स्टैंड बॉल खेलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर एक संभाग स्तरीय टूर्नामेंट 19 नवंबर को खेला जाएगा। इन्हीं की तैयारियों के सिलसिले में छत्तीसगढ़ स्टैंड बॉल एसोसिएशन और ऑल इंडिया स्टैंड बॉल एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने सूरजपुर जिले के कल्याणपुर में एक विजिट किया। इस दौरान मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल जो कि कल्याणपुर में है, वहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती श्वेता सिन्हा और उनके जो सहयोगी हैं, जो स्टाफ है, उनके साथ मिलकर इस खेल के संदर्भ में चर्चा की। आपको बता दें कि स्टैंड बॉल एक ऐसा खेल है जिसका जन्म छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की धरती पर हुआ है और बीते कुछ वर्षों में इस खेल की शुरुआत के लिए जगह जगह प्रयास किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि अगले महीने दिसंबर में ही, 2022 के दिसंबर में ही मथुरा में स्टैंड बॉल का एक राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट भी होने जा रहा है, 21-22 दिसंबर 2022 मथुरा में। इसके बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी काठमांडू में जनवरी में होने की तैयारियां की जा रही है। लेकिन उन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि बिलासपुर में जन्मे इस खेल में सरगुजा की धरती पर भी अपने पांव रख दिए हैं और इसकी शुरुआत सरगुजा संभाग के कल्याणपुर से हो रही है, जहां मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती श्वेता सिन्हा के मार्गदर्शन में उनकी टीम के लोग इस खेल को लेकर काफी उत्साहित हैं। 19 नवंबर को एक संभाग स्तरीय छोटा सा टूर्नामेंट यहां पर इसी कैंपस में, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के कैंपस में खेला जाएगा, जिसमें आसपास की कुछ टीमें हिस्सा लेंगी। इस दौरान ऑल इंडिया स्टैंड बॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जावेद अली, ट्रेजरार जो हैं डॉक्टर साजी अली और उनके कुछ साथियों ने विजिट किया था और उनसे कुछ बातचीत की। आइए प्रिंसिपल श्वेता सिन्हा से हुई बातचीत के कुछ अंश हम यहाँ पर सुनने का प्रयास करते हैं। जी सर, हमारे स्कूल का जो अभी तक 10th और 12th का रिजल्ट है CBSE का, वो काफ़ी अच्छा रहा है, 100% रहा है हमेशा, और बच्चों को खेल में भी काफ़ी हम प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए कुछ नए नए हम चाहते हैं कि उनके लिए हम गेम को आगे बढ़ाएं, और इसके लिए हम लोग अभी तैयारी भी कर रहे हैं। हमारी एक बनारस से हमारी एक स्पोर्ट्स की पूरी एक टीम आई हुई थी, उन्होंने हमारे पूरे ग्राउंड का मुआयना किया है और काफ़ी सारी बातों को वो हमसे डिस्कस किए और वो बता के गए हैं कि हमको किस तरह से कहाँ पर क्या ग्राउंड बनाना है, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे आपके स्कूल में? अभी हमारे पास 450 बच्चे हैं। 450 बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ, स्टैंड बॉल को लेकर के भी आपके चर्चा कर ली है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। जी, ये स्टैंड बॉल सर अभी बहुत ही नया गेम है, हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं श्री मेहंदी हसन सर, उन्होंने इस गेम के बारे में हमको बताया और जो इस गेम के स्टैंड बॉल के जो पदाधिकारीगण हैं उनसे हमको मिलवाया और जानकारी दी, तो अच्छा लगा हम लोगों को कि ये गेम नया है, बच्चों को इसमें बहुत हम आगे तक ले जा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसका कोर्ट जो है ग्राउंड में अपने स्कूल के ग्राउंड में बनवा रहे हैं और बच्चों को इससे फायदा मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। स्टैंड बॉल को सरगुजा की धरती पर विकसित करने के उद्देश्य से मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती श्वेता सिन्हा और उनके टीचिंग स्टाफ, ये कहा जाए दूसरे शब्दों में उनके स्पोर्ट्स ऑफिसर मेहंदी हसन के साथ उनके जो सहयोगी टीम है, अपने स्कूल में और पूरे सरगुजा में इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और पूरी उम्मीद है कि इसके अच्छे सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जल्द ही सूरजपुर और अंबिकापुर से निकलकर अन्य जो जिले हैं, जिसमें मनेनगढ़ कोरिया है, बलरामपुर है, जसपुर में भी स्टैंड बॉल की टीमें तैयार की जाएंगी और जिनका उपयोग अगले महीने जो नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है उसमें किया जाएगा। स्कूल की प्रिंसिपल श्वेता सिन्हा और वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर मेहंदी हसन के साथ उनके पूरी टीम के साथियों का यह प्रयास निसंदेह स्टैंड बॉल को सरगुजा की धरती पर निसंदेह विकसित करने में सफल होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।